हिंदू मुस्लिम एकता पर दिग्विजय सिंह का महाभारत वाला ज्ञान। टीवी पर आई महाभारत लिखने वाले की कहानी सुना, क्या बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह देश के भीतर चल रहे माहौल पर देश के लोगों को इतिहास के सहारे ज्ञान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने 90 के दशक में टीवी पर आई महाभारत से जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाते हुए लिखा, डॉक्टर राही मासूम रजा को बीआर चोपड़ा ने महाभारत टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने को कहा तो पहले तो राही मासूम रजा ने इनकार कर दिया था, पर दूसरे दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छप गई। हजारों लोगों ने चोपड़ा को खत लिखा कि एक मुसलमान ही मिला है महाभारत लिखवाने के लिए। चोपड़ा ने सारे खत राही मासूम रजा के पास भेज दिए। सारे खत देखने के बाद राही मासूम रजा ने चोपड़ा से कहा कि अब मैं ही लिखूंगा महाभारत, क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूँ। राही मासूम रजा ने जब टीवी सीरियल महाभारत लिखा तो उनके घर खतों के अंबार लग गए। लोगों ने खूब तारीफें की, खूब दुआएं दी। इतने खत आए कि खतों के कई गट्ठर बन गए, लेकिन एक बहुत छोटा सा गट्ठर उनकी मेज के किनारे सब खतों से अलग पड़ा था। जब किसी ने वजह पूछी तो जवाब मिला कि ये वो खत हैं जिनमें मुझे गालियां लिखी गई हैं। कुछ हिंदू इस बात से नाराज हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर महाभारत लिखने की, और कुछ मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि तुमने हिंदुओं की किताब को क्यों लिखा। लेकिन राही साहब का मानना था कि ये छोटी सी गड्डी दरअसल मुझे हौसला देती है कि मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं। आज भी नफरत फैलाने वालों की गड्डी हमारे प्यार मोहब्बत के बड़े गट्ठर से बहुत छोटी है, लेकिन हमें नफरत फैलाने वालों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। कठिन है लेकिन असंभव नहीं, अंत में जीत मोहब्बत और भाईचारे की ही होगी। क्या दिग्विजय सिंह सरीखे आपको भी लगता है कि देश में मोहब्बत करने वालों की संख्या अभी भी नफरत करने वालों से ज्यादा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और दोस्तों हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।